गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ सेवंथ क्लास, की हाल है तुहाडा? पैस की तैयारी कर रहे हो, साडे नाल चल रहे हो? टेंथ लैसन का एक लैक्चर मैं तुहाडे नाल कवर कर लिया सी जो क्वेश्चन बैंक दे विच है। अज मैं अगला लैक्चर तुहाडे नाल कवर करन जा रही हाँ। टेंथ लैसन इज रेस्पिरेशन इन द ऑर्गनिजम, दोनों मीडियम मैं लै रही हाँ बेटा, ताकि तुहाडी तैयारी हो जाए दोनों मीडियम्स की। टेंथ चैप्टर है साडा रेस्पिरेशन इन ऑर्गनिजम, जिन्हों आपां कहने आ जीवां विच सा किरिया, जीवां विच सा किरिया। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और काफ़ी कंफ्यूजिंग भी है, पिछले भी आप क्वेश्चन डिस्कस किए। चलो जी आओ, पैस मिशन 2020 चल रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, पंजाब एडूकेयर ऐप न प्ले स्टोर से जाके तुसी जड़ा है अपने मोबाइल च करो और उदे विच पैस दे अंडर तुहानू सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि किदां दा पेपर आएगा, किदां दा क्वेश्चन बैंक आएगा और किदां दे जिहड़े सल्यूशन है वह तुसी करने हैं। नो डाउट क्वेश्चन बैंक इज़ अवेलेबल देयर, पर आपां तुहानू सल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इन्हां नू मिन्यूटली देखो। लेट अस स्टार्ट विद आर फर्स्ट क्वेश्चन। अनअक्सी साह किरिया राही खमीर बनाउंदा है। बेटा इतने खमीर की गल पूछी है कि जो यीस्ट है रेस्पायर एनरोबिकल, एनरोबिकल मीनस अनअक्सी, अनअक्सी सा किरिया तो की प्रोड्यूस करता है? तो बेटा पानी प्रोड्यूस करता, अल्कोहल वॉटर ते जा फिर पानी वॉटर अल्कोहल अल्कोहल ग्लूकोज ग्लूकोज लैक्टिक एसिड लैक्टिक एसिड। तो जोड़ा सही आंसर है वह है अल्कोहल। यीस्ट की प्रोड्यूस करता है? अल्कोहल। काफ़ी कंफ्यूजिंग है ये जड़िया अन जड़िया अनऑक्सी किरिया है तो सह किरिया है, तो इन्हों ध्यान चैप्टर के स्टार्टिंग पेज देखना। व्यक्ति द्वारा प्रति डैश सह लैन की किरिया सह किरिया की दर कहें। द नंबर ऑफ टाइम्स अ परसन ब्रीथ इन डैश इज ब्रीथिंग रेट, सैकेंड मिनट घंटा दिन, सैकेंड मिनट आर दिन। तो बेटा व्यक्ति द्वारा प्रति मिनट, ठीक है जी, की आएगा फिलिप च मिनट, प्रति मिनट मिनट, ठीक है जी, प्रति मिनट सह लैन की किरिया असी की कहने सह किरिया की दर कहने, ठीक है। योर बी ऑप्शन इज राइट। चलो जी अगे गल करते हैं। ग्लूकोज किच किस विच टुटता है? एस्कॉर्बिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड के हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेटा ग्लूकोज किच टुटता है? बेटा ये रिएक्शन कुछ इदा की होंगी है कि जोड़ा ग्लूकोज हों ऑक्सीजन की गैर मौजूद एनरोबिक टुट जाता है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, ठीक है। यदा आप क्वेश्चन भी किया कि जो आप कहते हैं कि जो पेशियां अनऑक्सी सह किरिया कर दिया हन, तो इस प्रक्रिया में ग्लूकोज के अंशिक विखंडन हो जाते हैं किदे किदे च लैक्टिक एसिड च ते किदे च नाल नाल तुहाडे एनर्जी दे विच, ठीक है। बेटा लैक्टिक एसिड का इकट्ठा होना ही पेशियां विच थकावट पैदा होंदी है। क्वेश्चन आप उदों भी किया कि कौन एसिड इकट्ठा हो जाता है जिदे करके जिहड़ियां पेशियां वो कसरत वगैरह तो बाद थकावट महसूस कर दियां, ते लैक्टिक एसिड, ठीक है। इहदा मतलब तुहाडी ग्लूकोज ब्रेकडाउन्स इनटू लैक्टिक एसिड, तुहाडी जिहड़ी सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। पौद्यां दियां जड़ां दे सैल्लां नूं भी ऊर्जा पैदा करन लई किस दी लोड़ हुंदी है? द रूट सैल्स ऑलसो नीड एनर्जी टू जनरेट। तुहानूं भी पता है कि तुसीं रूट्स नूं की दिंदे हो? बेटा रूट्स नूं आपां बेसिकली वाटर ते मिनरल दिंदे आ ताकि उह की जनरेट कर सकन एनर्जी, ठीक है। हुण इत्थे मिनरल आयन तो ऑप्शन है नहीं, इत्थे ऑप्शन है वाटर सनलाइट ओ टू क्लोरोफिल। तो पानी तुसी टिक कर सकते हो, मिनरल आयन ऑप्शन होए तो तुसी वह भी टिक कर सकते हो। 21वें क्वेश्चन की गल करांगी। पौद्यां विच इन्हां द्वारा सह किरिया हुंदी है। रेस्पिरेशन इन प्लांट टेक्स बाय रूट हेयर क्लोरोफिल स्ट्रोमेटा बर्ड्स, जड़ रोम क्लोरोफिल स्ट्रोमेटा बर्ड्स। बेटा मेरी गल सुनो, क्लोरोफिल जिहड़ा वरत्या जांदा है भोजन बनाने लई, ठीक है, हरे रंग का वर्णक हुंदा है। तो स्ट्रोमेटा की होंगे गैसा का वटांदरा करन लई, ठीक है जी। बेसिकली जिहड़ी सह किरिया होंगी वो जड़ रोम करके होंगी है, रूट हेयरस करके, ठीक है जी। याद रखना प्लांट्स च सह किरिया किहदे नाल होंगी है? रूट हेयर के नाल, जड़ रोम के नाल। गंडोआ किस राही सह किरिया करता है? गंडोए नूं कहिंदे आ अर्थवर्म। अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू देयर ट्रैकिया स्पायरकल गलफड़े चमड़े नोज हर्ट लंग स्किन। तो बेटा जी जिहड़ा गंडोआ हुंदा है वह चमड़ी राही सह लैंदा है, स्किन राही, ठीक है जी। चलो जी, हालांकि डड्डू विच सह किरिया लई फेफड़े मौजूद हन, पर उस वो इस राही भी सह किरिया कर सकता है। दो फ्रॉग्स हैव अ पेयर ऑफ लंग्स, फ्रॉग्स च लंग्स भी हुंदे ने, बट दे कैन ऑलसो ब्रीथ थ्रू, किदे नाल ब्रीथ कर सकते हैं? नोज हर्ट लंग स्किन नक दिल फेफड़े चमड़ी। बेटा स्किन दे नाल, भावें डड्डू दे विच
लंग्स है पर फिर भी वह स्किन के नाल भी सह क्रिया कर सकते हैं। सह अंदर लैन समय फेफड़े की होंगे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिहड़ा सह जो आप अंदर लैंदे हाँ तो उदों फेफड़े की होंगे है, तो जो आप सह बाहर कढ़दे हाँ उदों फेफड़े की होंगे है। बेटा इत्थे आप एक गल देखनी है कि ड्यूरिंग इनहेलेशन, इनहेलेशन मतलब सह लैन, आर लंग्स कॉन्ट्रैक्ट्स सुंगड़ते हैं, गैस का वटांडरा करते हैं, एक्सचेंज गैसिज फैलते हैं, एक्सपैंड रिलीज एनर्जी ऊर्जा पैदा करते हैं। बेटा जो आप अंदर सह लें साढ़े फेफड़े फैलते हैं, ठीक है, की करते हैं एक्सपैंड करते हैं, पर जो असी सह बाहर कढ़ते हैं तो यह की कर जाते हैं, सुंगड़ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है जी, गल याद रखनी है, अंदर लैन लगे ये की करते हैं, ये फैल जाते हैं। ऑबवियस है जो गुब्बारा की है, गुब्बारा है ना, सिंपल गुब्बारा है, जो हवा भरेंगे तो की हो जाएगा, फैल नहीं जाएगा, और जो हवा कढ़ांगे वो की हो जाएगा, फिर वो सिंपल गुब्बारा बन जाएगा। दिस इज लाइक आर लंग्स की दे कॉन्ट्रैक्ट्स एज वेल एज एक्सपैंड। चलो जी, निक्षण नाल की होंदा है, वट हैपन्स विद स्नीजिंग। अज तक तुहानू छिक आती सी पर तुसी सोचिया कि छिक आने की होंदा, नींद वधिया आती है, साउंड स्लीप बिलोड़े कारण हवा दे नाल बाहर निकल जाते हैं, अनवॉन्टेड पार्टिकल्स मूव आउट विद एयर, फेफड़े मजबूत बनते हैं, लंग्स बिकम स्ट्रोंग, कोई याद करता है। तो बेटा तुहानू निच आती है, क्यों आती है, वैन फॉरन पार्टिकल्स जोड़े है वो तुहाडे नोज दे विच किते मतलब जुड़ जाते हैं, जोड़े अनवॉन्टेड पार्टिकल्स या फॉरन पार्टिकल्स है वो बाहर कढ़न लई सानू एयर दे विच बाहर कढ़न लई निच आती है। सिगरेट पीन नाल किसका कैंसर होंदा है, बेटा देखो सिगरेट सीधा अफेक्ट करती है तुहाडे लंग्स नू, स्मोकिंग किनू अफेक्ट करती है, फेफड़िया नू, जबकि जेड़ा तुहाडा शराब है, अलकोहल है, वो अफेक्ट करती लिवर नू। ठीक है, ये गल याद रखनी है, स्मोकिंग सीधा इफेक्ट करती तुहाडे फेफड़िया नू, इवन स्मोकिंग इज सच अ डेंजरस, सिगरेट पीनी इन्नी डेंजरस है कि जेड़ा बंदा तुहाडे नाल बैठा है जदों तुसी सिगरेट पी रहे हो तो वो उन्नू भी इफेक्ट करती है। इसलिए असीं कहने हुंदे आ कि जेड़ा मतलब तुसी ये है कि इसलिए अजकल ये है कि जेड़ा आपा पब्लिक प्लेसिस ते बिल्कुल भी सिगरेट जेड़ी अलाउड नहीं है। चलो जी, असी सह बाहर कढ़न समय की बाहर कढ़दे हाँ, इत्थे ऑप्शन सही नहीं है, लेट अस राइट द ऑप्शन हेयर। असी बाहर मतलब जो आप सह लैंदे हाँ तो आप बाहर की कढ़दे हाँ, ड्यूरिंग एक्सलेशन वी इनहेल्स वी एक्सेल्स ओ टू कार्ब, नहीं जी ऑक्सीजन तो आप अंदर लें, इसलिए आ दोनों ऑप्शन गलत हो गए, ऑक्सीजन वाली गल तो गलत हो गई, ठीक है ना, क्योंकि ऑक्सीजन तो आप अंदर लें। हूँ रह गई कार्बन डाइऑक्साइड, बेटा तुसी कल्ली कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं कढ़ते, ये बड़े क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन है, बार बार कह रही हाँ, लॉजिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन है, जेडे सीओ टू असी कल्ली बाहर नहीं कढ़ते, असी सीओ टू रिच एयर बाहर कढ़ते हाँ, ठीक है जी, उहदे च सारे मिक्सचर होंगे है, सह किरिया दौरान असी अंदर गई ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत इस्तेमाल करते हाँ, ड्यूरिंग रेस्पीरेशन द एक्चुअल परसेंटेज ऑफ वी कंज्यूम ऑक्सीजन। बेटा ये ना मैं थोड़ा एक चार्ट बनवाना चाहनी हाँ, जो तुम मेरे नाल हो तो चार्ट बनाओ, आ साढ़े लंग्स है, फेफड़े जिन्हों आप पंजाबी कहने, ठीक है जी, फेफड़िया के 21% जो आप सह राही अंदर लई बाहर छी जाने वाली जी ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत में मिल जी, अंदर आप ऑक्सीजन लैके जाने 21% जी, बाहर आप कढ़ते हाँ वो ऑक्सीजन होंगी 16.4%, जी कार्बन डाइऑक्साइड आप अंदर लैके जाने वे मतलब जी एयर आप अंदर लैके जाने 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होंगी, तो जी बाहर कढ़ते हाँ वो 4.4% होंगी। ये मतलब हूँ उन्होंने सूँ पूछा ड्यूरिंग रेस्पीरेशन द एक्चुअल परसेंट विल बी कंज्यूम, आप कितनी यूज करते हैं सह किरिया दौरान, असं अंदर गई ऑक्सीजन के किन्ने प्रतिशत इस्तेमाल करते हैं, 21 इतने आना 16.4 तो 4.6 तो 22.4, देखो 21% तुम ऑक्सीजन अंदर लैके गए तो बाहर तुम कि क्ढी 16.4 है ना जी, सारू इतें 10 इतने 0 इतने 0, दसा चो चार गए छे गए चार, तो सर 4.6 हैगा ऑप्शन, आलो जी हैगी, ठीक है ना, मतलब एक्चुअल से तुसी कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम करते हो 4.6%, बस आ गल नू याद रख लेना कि जिहड़ी ऑक्सीजन तुसी अंदर लैके जांदे हो 21% है, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड है, 16.4% बाहर कढ़दे हो, ये बाहर वाली है, ठीक है जी, तो ये अंदर वाली, ये तुहाडी बुक ते भी बहुत अच्छा चार्ट बनिया, उहनू देखो, ठीक है। गलफड़े की काम करते हैं, गलफड़े इंग्लिश च आपां कहिंदे गिल्स है ना,
fish de. Purpose of the gills is to look, to make an organism look good, help in exchange gases, organism can take food through it, help in swimming. ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੈਸ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਵ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਤੈਰਨ ਲਈ ਬੇਟਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗਿਲਸ ਦਾ ਕੀ ਪਰਪਸ ਹੈ ਹੈਲਪਸ ਇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਗੈਸਿਸ ਗੈਸ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਗਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵਟ ਹੈਪਨਸ ਇਫ ਐਨ ਅਰਥਨ ਪੋਟ ਇਜ਼ ਫੀਡ ਵਿਦ ਐਕਸੈਸ ਵਾਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਟ ਇੰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੜਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਪੌਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਉੱਗਣਗੇ ਫੁੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਣਗੇ ਰੂਟਸ ਕਾਂਟ ਗੈਟ ਆਕਸੀਜਨ ਬੇਟਾ ਜੀ ਪਲਾਂਟ ਵਿਲ ਗਰੋ ਫਾਸਟਰ ਪਲਾਂਟ ਵੋਂਟ ਬੀ ਬੀਅਰ ਫਲਾਵਰਸ ਪਲਾਂਟ ਵਿਲ ਬੀਅਰ ਮੋਰ ਫਲਾਵਰਸ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੌਦੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਜੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਰੂਟਸ ਕਾਂਟ ਗੈਟ ਇਨਫ ਆਕਸੀਜਨ 31st ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਆਕਸੀਜਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਡੈਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖਰੇ ਸਿੱਧੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਸਿਸ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਐਕਸਪੋਜਰ ਆਫ ਮੋਰ ਆਕਸੀਜਨ ਫੋਰ ਦਾ ਮੋਰ ਟਾਈਮ ਮੇ ਬੀ ਟੂ ਹਿਊਮਨਸ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨਮੰਦ ਹੈ ਔਰ ਉਮਰ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੌਂਗੇਵਿਟੀ ਔਰ ਨਨ ਬੇਟਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਆਕਸੀਜਨ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ ਟੌਕਸਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਅਨਆਕਸੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਿਚ ਸੈੱਲ ਕੈਨ ਆਪਟ ਫੋਰ ਐਨਅਰੋਬਿਕ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ੀ ਸੈੱਲ ਨਿਊਰੋਨ ਨੈਫਰੋਨ ਖੂਨ ਮਸਲਸ ਨਿਊਰੋਨ ਨੈਫਰੋਨ ਬਲੱਡ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੀ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਯਾਨੀ ਮਸਲਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਨਆਕਸੀ ਸੌ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਸਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਉਹ ਅਨਆਕਸੀ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਜਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੀ ਸੈਲਸ ਔਰ ਮਸਲਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 10th ਲੈਸਨ ਹੈ 7th ਕਲਾਸ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬੈਂਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ 32 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਬੇਟਾ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਉਧਰੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਾਫੀ ਚੈਪਟਰਸ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ ਟਿਲ ਦੈਨ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਬੇਟਾ